बात करते हैं शहर की सरकार की निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 13 मई को निकाय का परिणाम भी आ जाएगा। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। 13 वो तारीख होगी जब नतीजे होंगे, यानी कि उस दिन यह साफ हो जाएगा कि किसको जीत मिली है, कितनी बंपर वोट किस पार्टी को जनता ने दिए। तो आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कानपुर, चित्रकूट, बांदा में सीएम जनसभाएं करने वाले हैं। बांदा के जीआईसी मैदान में सीएम योगी हुंकार भरेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील एक बार फिर से सीएम करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:08 में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा बांदा पहुंचेंगे और उसके बाद ये हम खड़े हैं महाराणा प्रताप चौक में। और यहां पर आज चूंकि महाराणा प्रताप की जयंती है, जिसको लेकर के इसी चौराहे पर पहुंचेंगे और महाराणा प्रताप को पुष्प अर्पित करेंगे, उनको पुष्प माल्यार्पण करके यहां से उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए जीआईसी मैदान पहुंचेंगे। ये वही चौराहा है, ये वही स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री पहुँच करके महाराणा प्रताप को माल्यार्पण करेंगे और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं और जनसभा को लेकर के भीड़ भी पहुंचना शुरू हो गई है। दोपहर 1:15 में जीआईसी मैदान में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बांदा की 2 नगर पालिका व 6 नगर पंचायत में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोटरों से अपील करेंगे। बांदा से जी मीडिया के लिए अतुल मिश्रा। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बांदा, चित्रकूट, कानपुर तीनों जगह आज उम्मीदवारों के लिए चुनावी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है। पार्टी के तमाम जो और मंत्री हैं वो भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए ताकि बंपर वोटों से जीत जो है वो बीजेपी के पाले में आए और इसीलिए पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसी कड़ी में आज भी 3 चुनावी जनसभाएं और आज की जनसभाएं और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 6 बजे चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। उसके बाद चुनाव प्रचार आप नहीं कर पाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन हाँ, 6 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है। 3 चुनावी सभाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की आज चित्रकूट, बांदा, कानपुर में। तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं सभी और एक बार फिर से यहां पर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी सभा में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। नीतीश का हम जरा रुख कर लेते हैं। नीतीश, अब बस ये अंतिम रण है कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद 11 तारीख को वोट कास्ट किए जाएंगे और फिर सीधे नतीजे आ जाएंगे। जिस तरह से पिछले, अगर कहें तो पिछले नगर निकाय के चुनाव में रण में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो पूरा जोर आजमाकर अब दूसरे रण के लिए निकल पड़े थे और आज उस प्रचार का थमने का दिन है। कुल 38 जगहों पर यह प्रचार थमेगा, चुनाव प्रचार, और उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद यह फैसला हो जाएगा कि शहर की सरकार का मुखिया कौन होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे चुनाव को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गए और इसके साथ ही 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो राजनीतिक दल इसमें पूरे शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। और खास तौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतर कर पूरी तरह से बैटिंग करने के मूड में दिखाई दे रही है और आज भी पूरे दिन ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से बात की जा रही है कि विशेष जगहों पर जो बड़े दलों के नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, वो भी चुनाव प्रचार करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि जनता का रुख किसकी ओर होता है और जनता किसे वोट कर शहर की सरकार का मुखिया चुनती है। बिल्कुल नीतीश। प्रमोद भी इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े। प्रमोद का भी हम सीधे जरा रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अलीगढ़ की बात की जाए, यहां पर अगर देखा जाए तो किस तरीके का माहौल यहां पर आप देख रहे हैं क्योंकि
पार्टियां जो है वो अपनी तरफ से तो प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन जनता का रुख जो है वो भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अलीगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो पार्टियों के नेता थे वो लगातार कार्यक्रमों को लेकर, तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर जुटे हुए थे, यानी सभाएं चल रही थी, रोड शो चल रहा था। कल अखिलेश यादव खुद यहां पहुंचे थे और उन्होंने भी एक रोड शो किया था। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। अब बात मैं चुनाव प्रचार की करूं तो आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और जो अभी भी पार्टियों के तमाम लोकल नेता हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए। बात अलीगढ़ के इतिहास की जाए तो 25 वर्ष के नगर निगम के इतिहास में 4 बार भारतीय जनता पार्टी का अलीगढ़ से मेयर रहा है और एक बार पिछली बार यानी 2017 में बहुजन समाज पार्टी के मेयर फुरकान सिंह भी बीजेपी को हराकर जीते थे। अब चुनावी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि आज लास्ट दिन है और ऐसे में जो यहाँ मुकाबला है, तिकोड़िया मुकाबला है, यानी समाजवादी पार्टी और बसपा, इसके अलावा बीजेपी, यानी तीनों जो कैंडिडेट हैं वो दमदारी से अलीगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो गलतियां कर दी थी उन गलतियों को भाजपा पार्टी बिल्कुल दोहराना नहीं चाहती, यानी सभी जो भाजपा, यानी कि किसी भी तरह की चूक ना हो इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो भी की जा रही है। आपका प्रमोद बहुत शुक्रिया। नीतीश, आप बने रहिए, वापस लौटती हूं मैं आपके पास।